फ्लास्क एक माइक्रो वेब फ्रेमवर्क है जिसको पाइथन में लिखा गया है माइक्रो वेब फ्रेमवर्क इसलिए है क्योंकि इसको किसी भी टूल या लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती है काम करने के लिए एकदम मिनिमल से और आप लोग इसकी सहायता से बड़े आराम से वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं इसमें डेटा एप्स्ट्रैक्शन की कोई लेयर फॉर्म वैलिडेशन या फिर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ओ टाइप का कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो कि इसको बहुत ही मिनिमल और ईजी टू यूज बनाती है इसके मिनिमल होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत लिमिटेड है आप लोग एक्सटेंड का इस्तेमाल करके फ्लास्क को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उससे बहुत सारे काम जैसे कि डेटाबेस में डेटा ऐड करवाना फॉर्म वैलिडेशन करवाना ये सब करवा सकते हैं बहुत सारी कंपनीज जैसे कि पिंट्रेस्ट और लिंकड फ्लास्क को अपने इंटरनल टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती है फ्लास्क सबसे पहले 1 अप्रैल 2010 में रिलीज होती हुई देखी गई थी इसके डेवलपर आर्मिन रोनार्चर जो कि पोको ग्रुप के लिए काम करते थे उन्होंने इसके डेवलपमेंट को यहाँ तक पहुँचाया कि फ्लास्क आज 2020 में भी इतना पॉपुलर फ्रेमवर्क है Poco, का एक ग्रुप था जो कि 2004 में फ्रेम किया गया था। आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि रोनाचर की तरफ से फ्लास्क का डेवलपमेंट एक एपल फूल का जोक था उन्होंने सिंपली एपल फूल का एक प्रैंक खेला था जो कि एक सीरियस आइडिया में तब्दील हो गया और आज फ्लास्क को मैं और आप इतने पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क के तौर पे जानते हैं अप्रैल 2016 में पोको ग्रुप डिसॉल्व हो गया और फ्लास्क के डेवलपमेंट को पैलेट्स प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया गया उसके बाद क्या था फ्लास्क पाइथन एंथुसियास्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज ऑफ अक्टूबर 2020 फ्लास्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है जेंगो के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है जिसकी सहायता से इथन में वेब एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है यह अपने आप में एक फ्रेमवर्क के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सिर्फ इतना ही नहीं 2018 में सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क का खिताब दिया गया था फ्लास्क को जो कि अपने आप में एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्लास्क के लिए व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो फ्लास्क मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फ्रेमवर्क है चूंकि मैंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग का पहला फ्रेमवर्क फ्लास्क ही सीखा था और इसने मुझे इंडी डेथ पाइथन लवर बनाया मैंने पर्सनली इसकी सहायता से बहुत सारी वेबसाइट बनाई और क्लाइंट्स को डिलीवर भी करी और बहुत सारे

ये वाला जो कोड है ये कुछ इस तरह से ब्राउजर में दिखेगा आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एच टी रेंडर की जा रही है क्योंकि हम लोग जब भी फ्रंट एंड का कोड लिखते लिखते हैं वो HTML लिखते हैं वो के अंदर ही जब की बात की जाती है तब नाम आता है जिंजा का आप लोग यहां पर देख सकते हो कि जिंजा टेम्पलेटिंग काम्पलेटिंग लैंग्वेज सेंटेक्स है जिसकी सहायता से आप लोग प्रोग्रामेटिकली इस तरह की टेंट्स लिख सकते हैं इसमें आप लोग टेम्पलेट का सोर्स कोड लिखते हैं जो कि फाइनली एच में डिकोड किया जा सकता है जिंजा की सहायता से आप लोग बड़े आराम से एच के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं आप लोग फ्लास्क का इस्तेमाल करते हुए जिंजा को कंफिगर कर सकते हैं फॉल लूब्स यूज करने के लिए इफ यूज करने के लिए और भी जिंजा के अंदर डेट्स को और बहुत सारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के अच्छे अच्छे फिल्टर्स होते हैं अपनी फ्लास्क की आउटर मोस्ट डायरेक्ट्री में जब आप स्टैटिक फोल्डर बनाते हैं उसके अंदर आप लोग कोई भी स्टैटिक फाइल डाल सकते हैं जो कि आपके यूजर्स डायरेक्टली आपके वेबसाइट के एंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ऐसा आप लोग तब करना चाहेंगे जब आप पब्लिक सी एस एस पब्लिक जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी पब्लिक फाइल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे अपने वेब सर्वर के थ्रू कुछ इस तरह से आप लोग स्टैटिक और टेम्पलेट्स फोल्डर बना सकते हैं स्टैटिक के अंदर आपकी सारी स्टैटिक फाइल्स जो कि आपकी वेब रूट पर पड़ी होंगी आपका यू आर एल स्लैश स्टैटिक पर यह फाइल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी टेम्पलेट्स को आप लोग जिंजा टेम्पलेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से जैसे कि हमने अभी देखा ही था थोड़ी देर पहले किसी भी फाइल का यू आर एल अगर आप लोग जनरेट करना चाहते हैं जिंजा में तो आप लोग url for सिंटेक्स का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं ऐसा करने से आप लोगों की फाइल का एक पूरा url जनरेट कर दिया जाएगा अगर आपका डोमेन चेंज भी होता है तब भी एक url आपका फ्लैश जनरेट करके देगा आपकी जिंजा टेम्प्लेट के अंदर url for का सिंटेक्स आप लोग कुछ इस तरह से css को इंक्लूड करने के लिए भी यूज कर सकते हो जिंजा के अंदर इफ को कुछ इस तरह से यूज किया जा सकता है फॉर लूप्स को आप लोग जिंजा के अंदर कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो फ्लास्क एक बहुत खूबसूरत फ्रेमवर्क है जो कि टेम्पलेट इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस को फ्लास्क में करने के लिए आप लोग एक बेस टेम्पलेट बनाते हैं और उस बेस टेम्पलेट की सहायता से आप लोग और टेम्पलेट्स उस टैबलेट को बेस रखते हुए बनाते हो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नैफ बार और फुटर अपनी बेस में डाल दूंगा और उसके बाद जैसे जैसे मैं पेजेस बनाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं नैव बार और फुटर के बीच का कॉन्टेंट उनमें पॉपुलेट करता जाऊंगा कुछ इस तरह से आपकी बेस फाइल दिखेगी और उस बेस फाइल को इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से आप लोग फाइल बना सकते हो जो कि बेस फाइल को इनहेरिट करेगी और आपकी मार्कअप जनरेट करेगी आप लोग ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक सिंटेक्स का इस्तेमाल करके ये सारे काम कुछ इस तरह से कर सकते हैं आई होप कि आप लोगों को फ्लास्क का ये छोटा सा वीडियो एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर समझ में आया आप लोग फ्लास्क का कोर्स एक्सेस कर सकते हो इस चैनल में आप लोग मेरी चीट शीट एक्सेस कर सकते हो फ्लास्क की जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप लोग अपनी जर्नी एज अ फ्लास्क डेवलपर स्टार्ट करना चाहते हो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टाइम